पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी, उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था पर मैंने समझाया सबको, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों काना, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, आ जा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। श्री कृष्ण, प्रभु आपका आह्वान सुनते ही सारा सुदबुद्ध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहां हूं, इस रिक्त स्थान में। यहां का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वधर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हो, भोजन अच्छा ना बनवाए क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर, अब कैसे संभालूं? लग तो है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला। मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों ना रोए? क्योंकि आप खिला रही नारे। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जानो है हमें, इसे सब पतो है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला।
आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचा है, पर इसे कैसे छोड़ दूं? जब अपने मायके से लेके आई थी मैं, और जे इसमें पहली बार काना को माखन खिलाया था, संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई गृहस्थी समेटना इतना सरल ना है, जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो। आप अनप क्या करो तूने? भैया रो मत लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है, भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा भैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलू। ये देखो भैया ये वाला हाथी, बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो भैया मेरे जन्मदिन का उपहार, आज उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर कान्हा, जो छूट रहो है ना छूट जाने दे, पुराना जाएगो अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कुछ चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। मैया आप मेरी टोकरी ले लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह काना, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी, बिना कुछ कहे ही मैया को समझा दियो। बस अकट मंगवा तो। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ। आज छोड़ा जाए ना।
मैया, आप ही तो कहती हो ना कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपकी मुख पे ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है, अभी भगा दूंगा इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। वृंदावन में बेड तो मिलेंगे ना, आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? इसी समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, पर आपके सट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़िया से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ एक ही है, प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया? क्या हुआ पूना, क्या सोच रही हो? प्रभु,
केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का उतना झटकाथोर तृणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का, अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए, बताओ कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार। कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु, पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पवंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था प्रभु। इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा, कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, पर इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो नंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है, कहीं हम पद भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। जी, ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिंजी, जिंजी देखो ना आपने, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहां पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो।
प्रणाम। ये आपने बनाया है? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतनो शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। आभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो, पतिदेव होने का धर्म निभाओ। यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी, जे रहा हूँ आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। हाँ। आजा। भवन लिखी हुई सिला जी, यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया है सुधा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। Thank you.
देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र जैसे मैंने अपने दीवारों पे बनाई थी और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। लल्ला जी देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, उखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि उखल यहाँ है तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। पलंग वही बिछौना सब कुछ तो वैसा ही है। जे क्या, जे तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां और वही आधा उठा हुआ दूध, जे और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खिखिखिखि करने लगे दोनों। दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो अब? जाओ सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना, ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं आप दोनों तो हास पर हास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और बाबा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में
उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना, मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे जे भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है, ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सके। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया, उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत ही कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा उनके लिए। खीर पूरी चूरमा कढ़ी चावल दाल बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त तो और कुछ भी ना था यहाँ, तो जे सब कहाँ से आ गए? प्रभु ये सब कैसे हुआ? प्रभु लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया, और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कई मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी, ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। बाबा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है? यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दियो। मैया मैं हूँ गणेश। गणेश जी, कान्हा की मैया। यशोदा क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो, अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो सुन लो इसकी बात, अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ, हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं? वो जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना।
यशोदा जी क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा, तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा सुनो तो सही, यशोदा कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा ये तुम्हारी कल्पना मात्र है, गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी सुनी आपने, यहीं से आरो ऐश्वर्य। यशोदा मैंने कही थी ना तुमसे ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? जैसा भ्रम है क्या हो क्या रोए मुझे? मैया हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आरो उनका स्वर। तू भी मैया की हाँ में हाँ मिला रहे है? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, यशोदा जी, नंदराज। आप सब लोग यहाँ? क्या बात? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है हमें तो उस पर विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी यशोदा जी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है, तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय। जय। यशोदा मैया मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा है। भैया ये तो मैं ही हूँ ना?
अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कहीं आसपास की नदी में है पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई जाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है, पर वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार, क्या नाम है उसका? हाँ कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुलवासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल। महाराज उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है, एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। अपनी दृष्टि रख रहा है। आप उचित कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे। कितना से आना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछु तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दिया मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूसक राज कहां तक लेकर जाते। अच्छा।
ये मूसक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आवाज हो रो है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रो है। मुझे पक्का लग रो है गणेश जी हमें यही मिलेंगे। मूसक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। पर गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूं। जाओ ना गणेश जी। लंबोदर गजानन, श्री गणाधिपति गणेश जी की जय।